हेलो गाइस, वेलकम टू बीएफटी फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे इंडिया वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स के बीच में जो ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। 1 जुलाई सुबह 10 बजे मैच शुरू होगा। जो लोग मेरी तरह जल्दी नहीं उठ पाते हैं वो अपना अलार्म लगा के सोएं, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा दोनों देखने के लिए भी और हमारे फैंटेसी के लिए भी, क्योंकि ग्रैंड लीग जो है इसमें काफ़ी बड़ी आपको देखने को मिलेगी और आपके लिए काफ़ी ईजी मैच रहेगा अगर आप मेरी बातें यहाँ पर सुन लेंगे और उसका इस्तेमाल ढंग से कर लेंगे। तो जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं वो सुबह 9 बजे का अलार्म लगा लें, 9 बजे आप उठ जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 9:20 9:30 तक आपके पास टॉस और प्लेइंग 11 आ जाएगा, राइट 10 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं पहले ओडीआई की। वेन्यू गाइस इसका देखो क्या रहेगा, पालेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी, ये कौन सा वेन्यू है गाइस, जहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स सॉरी ऑस्ट्रेलिया मेन्स की जो टीम खेल रही थी श्रीलंका के साथ अपना ODI मैचेस जो खेले थे और T20 के भी कुछ मैचेस खेले थे, वही वेन्यू है, काफ़ी शानदार वेन्यू है। बात करेंगे इस वीडियो की, आपको काफ़ी सारी वैल्यू बताई जाएगी। उससे पहले लास्ट मैच का रिजल्ट देख लेते हैं हमारा। ये गाइज हमारी स्मॉल लीग की टीम थी, आप देख सकते हो, और मैंने जैसा कि पहले बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि मेरा प्रेडिक्शन है श्रीलंका फाइट करेगी, 101% फाइट बैक करेगी, और आप देख सकते हो फाइट बैक किया, श्रीलंका वो वाला मैच जीती थी। यहाँ से गाइज आप देखो टीम मेरी क्या थी। अब स्मॉल लीग में गाइज आपके जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं कोई भी यहाँ से स्मृति मंदाना को ड्रॉप नहीं कर सकता। चलो स्मृति मंदाना को ड्रॉप कर भी देगा तो शफाली वर्मा को कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, यहाँ से दीप्ति शर्मा को कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि हम स्टैट्स तो पढ़ते ही हैं साथ में मैच भी पढ़ते हैं। ये रही थी गाइज हमारी लास्ट मैच की टीम। कविशा दिलारी से हालांकि एक्सपेक्टेशन थी लेकिन इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया था। तो यहाँ से गाइज रिजल्ट आप देख सकते हो आपके सामने, रिजल्ट अच्छी खासी क्लीन स्वीप हमने की थी इस मैच में। बात करते हैं गाइज आज के मैच की, तो देखो हेड टू हेड में गाइस T20 के मैचेस खेले हैं अभी तक श्रीलंका और इंडिया ने साथ में, तो 5 उसमें से इंडिया जीती है। इंडिया का जो है अभी हेड टू हेड में पड़ला थोड़ा सा भारी है, लेकिन जो है श्रीलंका की जो ये टीम है इसमें काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो मुझे लग रहा है एक बराबर की फाइट आपको देखने मिलेगी। बराबर नहीं तो 65-55 आपको देखने को यहाँ से मिलेगी। बात करेंगे इस वेन्यू के ऊपर, तो वेन्यू को समझ लो सबसे पहले, ग्रैंड लीग तो हंस के निकल जाएगी। लास्ट ODI गाइस इस वेन्यू के ऊपर 16 जून को हुआ था इसी महीने, उसमें देखो क्या हुआ था, 220 बने थे 9 विकेट के नुकसान पर, जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है 190 पे कोलैप्स हो गई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर गाइस जो तीसरा मैच हुआ था दूसरा मैच हुआ था यहाँ पर उसके पहले, वो था 14 जून को, यहाँ पर 300 रन बनाए थे श्रीलंका मेंस की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर फिर ऑस्ट्रेलिया 282 करके हार गई थी वो मैच। तो आप समझ सकते हो श्रीलंका यहाँ पर डोमिनेटिंग है। बात करें एक ये T20 वाला मैच था, ये गाइस पहला मैच था इस वेन्यू के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर पिच किस तरीके से थी उस T20 में थी, बिकॉज फ्रेश पिच थी। कल के मैच में भी फ्रेश पिच आपको देखने को मिलेगी, उसमें 176 बना था 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, जो कि यहाँ से श्रीलंका ने 177 6 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया था। अब ये गाइस यहाँ से आपको बता दूँ बॉलर्स कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जो ग्रैंड लीग के सीरियस प्लेयर हैं वो आप देख लेना, फर्स्ट इनिंग में कौन इंपैक्टफुल रहता है, सेकंड इनिंग में कौन रहता है, ये सारे विकेट हैं, 5 विकेट 2 विकेट 4 विकेट ये सारे विकेट हैं, आप लोग देख लेना। जो ग्रैंड लीग 100% जीतना चाहते हैं वो लोग ये चीज़ समझ लें, मैं आपको इन शॉर्ट में यहाँ से बता देता हूँ, ये सब आप लोग समझ लेना। मैं यहाँ से आपको बताऊँ लास्ट के 3 मैच में इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को समझा दूँ, तो इस वेन्यू के ऊपर देखो 10 विकेट मिले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को, 7 विकेट मिले हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर को, 8 विकेट मिले लेग स्पिनर को, और यहाँ से 17 विकेट मिले हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम को। तो अगर आप देखो तो यहाँ से जो पेसर्स हैं उनको टोटल 17 विकेट मिले और 25 विकेट यहाँ पर मिले हैं स्पिनर्स को, तो स्पिनर्स यहाँ पर अच्छा खासा रोल रखते हैं, लेकिन पेसर्स भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि वुमेन्स मैच जो होते हैं उनमें ज़्यादातर डोमिनेशन हमेशा स्पिनर्स का ही होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। बात करें गाइस यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो देखो आप बात करते हैं ODI स्क्वाड की, जो हमारी इंडिया वुमेन्स का ODI स्क्वाड है, तो देखो हरमनप्रीत कौर कैप्टनसी कर रही है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर भी है, स्मृति मंदाना वाइस कैप्टनसी कर रही है, शफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, शबीनेनी मेघना, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव लेग स्पिनर, राजेश्वरी गायकवाड़ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, सिमरन दिल बहादुर राइट आर्म मीडियम, ऋचा घोष विकेट कीपर, पूजा वस्त्राकर राइट आर्म मीडियम, मेघना सिंह राइट आर्म मीडियम, रेणुका सिंह राइट आर्म फास्ट मीडियम, तानिया वाटिया विकेट कीपर है, हरिणी देवल लेग स्पिनर। अब गाइस यहाँ से आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो ये फुल स्क्वाड है, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है ये आपको एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है अभी, ठीक है, और बाकी जो रफ होता है वो तो हम सबको पता है कि
स्मृति ओपन करेगी, ठीक है, इसके साथ हरमनप्रीत कौर आ जाएंगी, या तो फिर यहाँ से शफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ओपनिंग करेंगी। तो ये गाइस फुल स्क्वाड है, मैं इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अगर कोई प्लेयर खेले ना खेले आपको जानकारी सबकी होनी चाहिए। यहाँ से गाइस देखो, अभी तक जो ODI मैचेस हुए हैं इंडिया की तरफ से, उसमें मैक्सिमम ओवर्स कौन डालता है, यहाँ से देखो, मेघना सिंह मैक्सिमम ओवर डालती हैं, पूजा वस्त्राकर मैक्सिमम डालती हैं, राजेश्वरी गायकवाड़ मैक्सिमम डालती हैं, पूनम यादव मैक्सिमम, और यहाँ से दीप्ति शर्मा मैक्सिमम। कह सकते हो ये पांच जो बॉलर्स हैं ये मैक्सिमम ओवर्स अभी तक ODI मैचेस में इन्होंने डाले हैं। और बाकी के गाइस आपके पास जो ये बॉलर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हरमनप्रीत कौर होगी, ठीक है, दीप्ति शर्मा तो मैक्सिमम डाल ही रही है, बाकी जो भी गाइस बॉलर हैं यहाँ पर सिमरन बहादुर हो गई, ठीक है, यहाँ से रेणुका सिंह हो गई, तो ये सब बाकी के ओवर्स मिलके शेयर करेंगे। अब कौन कितना अच्छा जा रहा है वो डिपेंड करेगा कि किससे उनको ज़्यादा ओवर्स कराने हैं, लेकिन आप समझ लो 7 से 8 ओवर तो ये पांच बॉलर्स जिनके आगे बॉल बनाई हुई है ये आपको डालते हुए दिखेंगे। बात करते हैं यहाँ से श्रीलंका वुमेंस की स्क्वाड की, तो फुल स्क्वाड देखो इनका, हंसिमा करुणरत्ने है, हर्षिता माधवी है, हसिनी परेरा है, मालिशा शियानी है, नीलाक्षी डी सिल्वा है, राइट आर्म स्लो बॉलर है, विश्मी गुणारत्ने, एमा कंचना राइट बैटर हैं और राइट आर्म फास्ट मीडियम भी है, बॉलर भी हैं, चमारी अतापतु बॉस लेडी इस टीम की कैप्टन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, कविशा दिलारी राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, बैटिंग भी करती है मिडिल ऑर्डर में, प्रॉपर ऑलराउंडर है, रश्मि डी सिल्वा राइट आर्म मीडियम, सत्या संदीपनी राइट आर्म फास्ट मीडियम, अनुष्का संजीवनी विकेट कीपर है, कौशानी नोटियांगे विकेट कीपर है, अचिनी कुलास्रिया राइट आर्म स्लो बॉलर हैं ये, एलोका रानावीरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, इनको आप जानते होंगे, राणा सिंघे को भी आप जानते होंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, सुगंधी कुमारी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, इनको भी आप जानते होंगे, यहाँ से उदेशिका प्रबोधनी लेफ्ट आर्म मीडियम, इनको भी आप जानते होंगे, और टरिका सेवंडी भी खेल सकती है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ये इनका फुल स्क्वाड। अब गाइस बात करते हैं यहाँ से अभी तक जो ODI हुए हैं श्रीलंका के, उनमें मैक्सिमम ओवर्स कौन डालता हुआ दिखाता मुझे, उषादी राणा सिंघे दिखी थी, एनोका रानावीरा दिखी थी, अचिनी कुलासरिया दिखी थी और कविशा दिलारी यहाँ से दिखी थी, तो ये अभी तक के थे, और यहाँ से एक प्लेयर और था जो नीलाक्षी डी सिल्वा है। अब आपके किसी भी ओपोनेंट को ये तो नहीं पता होगा कि नीलाक्षी डी सिल्वा बॉलिंग भी करा सकती है, तो आपके लिए एक ट्रंप पिक भी हो सकती है स्मॉल लीग में, ये बात हम आगे करेंगे। सॉरी गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। यहाँ से आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो T20 सीरीज़ हुई थी इन दोनों के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसके स्टार प्लेयर्स कौन से थे, कविशा दिलारी ने एक मैच में 47 किया था, विश्मी गुणारत्ने ने एक मैच में 45 किया था, चमारी अतापतु ने एक मैच में 43 किया था, एक मैच में 80 किया था, उषादी राणा सिंघे ने देखो तीनों ही मैच में विकेट निकाले, पहले 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट, यहाँ से एनोका रानावीरे भी इंप्रेसिंग रही थी, पहले मैच में 3 विकेट निकाला इंडिया के अगेंस्ट, फिर 2 विकेट निकाले, फिर लास्ट मैच में विकेटलेस रही थी, एमा कंचना ने एक ही मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट इस सीरीज़ में T20 में, तो एक मैच में 1 विकेट निकाला, यानी ये बिल्कुल 4 दिन पहले का फॉर्म इनका कैसा है। जेमिमा रॉड्रिज 36 किया, 33 किया, स्मृति मंदाना ने 39 किया है हाईएस्ट रन का 3 मैच में ये, हरमनप्रीत कौर ने 31 किया 1 विकेट निकाला, फिर 39 यहाँ से किया, शफाली ने 31 किया हाईएस्ट रेस का ये तीनों मैच में, सॉरी रिसेंटली श्रीलंका के अगेंस्ट, राधा यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया 3 मैच में, यहाँ से पहले मैच में 2 विकेट निकाले, फिर दूसरे में 1 विकेट निकाला, और लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं निकाला था। दीप्ति शर्मा ने पहले मैच में 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाले थे। रेणुका सिंह 2 मैच में 1-1 विकेट इन्होंने निकाला है। बात करें गाइस यहाँ से, ये आप समझ लो ये बिल्कुल 1 हफ्ते 10 दिन लास्ट 10 दिन का फॉर्म मान सकते हो कि इन प्लेयर का कैसा है। बात करें यहाँ से गाइस इंडिया का रिसेंट फॉर्म ODI में किस तरीके का रहता है, जब इंडिया ODI मैचेस खेलती है तो देखो हरमनप्रीत कौर इस साल का देखो क्या रहेगा, ठीक है, पहले ज़्यादा पुरानी बातें तो करेंगे नहीं अपन, इस साल देखो हरमनप्रीत कौर ने ODI में क्या किया है, 10 रन किया, फिर 13 रन किया, फिर 63 किया, फिर 5 किया, फिर 71 किया, फिर 109 किया, फिर 14 किया, फिर 57 नॉट आउट रही, फिर 14 किया, फिर 48 किया, तो ये सब किया है हरमनप्रीत कौर ने इस साल, और यहाँ पे एक मैच में 1 विकेट निकाला, 2 विकेट निकाले, यानी 10 मैच खेल के सिर्फ 2 मैच में ही इन्होंने बॉलिंग कराई हरमनप्रीत कौर ने। हालाँकि ये परफॉर्मेंस तो एक कह सकते हैं अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन हरमनप्रीत कौर अब है कैप्टन, जब ये परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने इसी साल वर्ल्ड कप में तब वो कैप्टन नहीं थी, लेकिन अब हरमनप्रीत कौर कैप्टन है तो उनके शोल्डर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से गाइस बात करते हैं स्मृति मंदाना की, तो इस साल देखो 22 किया, 13 किया, 71 किया, 6 किया, 123 किया, फिर 35 किया, फिर 10 किया, 30 किया, 71 किया, तो ये इनका गाइस इस साल का ODI के अंदर फॉर्म है।
शफाली वर्मा की बात करें तो इस साल देखो 12 किया, 24 किया, 51 किया, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 12, फिर 42, फिर यहाँ से 53। तो ये इस साल इन्होंने ODI के मैचेस में किया है। यस्तिका ने देखो क्या किया है इस साल, पहले तो देखो 3 मैचों में इनकी बैटिंग नहीं आई, फिर जब बैटिंग आई तो 8 नॉट आउट रही, फिर 6 किया, फिर 5 किया, फिर 9 नॉट आउट रही और 7 और 2 किया। सॉरी गाइस, ये इनका टोटल ODI का फॉर्म है, इस साल इन्होंने 8 किया है एक मैच में, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी। इस साल इन्होंने 8 किया यस्तिका भाटिया ने, और पहले ODI में देखो जो पहले खेला है इस साल के पहले, उसमें 8 नॉट आउट रही, 6 किया, 5 किया, 9 नॉट आउट, 7 और 2। बात करें यहाँ से शबिनेनी मेघना की, तो देखो इसी साल इन्होंने खेला था ODI न्यूजीलैंड वुमेंस के अगेंस्ट, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। पहले मैच में 4 किया, फिर दूसरे मैच में 49 किया, फिर 61 किया, इसलिए मैंने आपको T20 के टाइम बोल रहा था शबिनेनी मेघना को। मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल अपना जो हिटिंग वाला फॉर्म है वो दिखाए सबको, तो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा करेंगी आने वाले टाइम में। बात करें दीप्ति शर्मा की, तो सबसे पहले देखो इस साल बॉलिंग से क्या किया दीप्ति शर्मा ने, पहले 2 विकेट निकाले, फिर 4 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 2 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, और लास्ट 3 मैच से कोई भी विकेट इन्होंने नहीं निकाला है। बात करें बैटिंग से ODI में क्या किया इस साल, तो 16 किया, 1 नॉट आउट, फिर 69 नॉट आउट, फिर 9, फिर 21, फिर 4, फिर यहाँ से 0, 5, 15, 0, 2 नॉट आउट। तो मोस्टली ज़्यादातर नॉट आउट ही रहती है, बिकॉज काफ़ी लोअर आती है, तो नॉट आउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादातर टाइम नॉट आउट ही रहती है। और बॉलिंग से क्या किया इस साल ODI में, ये आप देख सकते हो। यहाँ से गाइस बात करें पूनम यादव की, तो इस साल देखो इस साल इन्होंने गाइस अभी 4 ही मैच खेले, इंडिया इनको सही से यूज़ नहीं कर पा रही है जो हमारी वुमेंस की टीम है, तो 4 मैच में हर मैच में एक एक विकेट निकाला, और उसके पहले ODI में देखो 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो ये इनका परफॉर्मेंस है। हालांकि इस साल मुझे खुद लगा था वर्ल्ड कप के टाइम कि पूनम यादव का यूज़ सही से हो नहीं पाया, और T20 में भी देखो अभी एक भी मौका नहीं दिया कि प्लेयर को थोड़ा सा ग्रूम करने का मौका मिले तीनों मैच में, तो ये इस चीज़ ठीक है। राजेश्वरी गायकवाड़, इनको भी गाइस अभी 3 मैच हुए, एक में सिर्फ 1 ओवर मिला, उसके बाद 2 मैच खिलाए नहीं गए। तो इस साल इनका फॉर्म देखो कैसा है, कहने को बहुत विकेट टेकर मानी जाती है राजेश्वरी गायकवाड़, आपके ओपोनेंट्स कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं इनको कभी भी। तो यहाँ से देखो इस साल इन्होंने ODI में पहले मैच में 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 2 विकेट निकाले, फिर यहाँ से 4 विकेट जो निकाले थे गाइस वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, फिर 2 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट। तो कह सकते हो आप हर मैच में 1 विकेट 2 विकेट निकाल के दे रही हैं। जो 4 विकेट का हॉल आया था गाइस वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में था, और पाकिस्तान इंडिया को पहले कभी इतना ज़्यादा खेला नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वो वहाँ पर निकालना एक अलग बात हो गई कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेट निकाले। लेकिन विकेट टेकर तो है बल्दी, स्पेशली इंटरनेशनली तो राजेश्वरी गायकवाड़ विकेट टेकर है, तो आप 1 विकेट 2 विकेट तो इनसे ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो हर मैच में। यहाँ से गाइस बात करें सिमरनदील बहादुर की, तो इस साल सिर्फ 1 ODI का मैच खेला, उसमें विकेटलेस रही थी बंदी। यहाँ से गाइस ऋचा घोष की बात करें, तो ऋचा घोष देखो इंप्रेसिव थी यहाँ से अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड, यहाँ से थ्राइस 3 बार गाइस इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसी साल। देखो 65 किया, 52 किया, फिर 7 नॉट आउट रही, फिर 1 किया, फिर 0 किया, फिर 5 किया, फिर 33, 8, 26, 8। तो यानी गाइस आप कह सकते हो कि एक मिडिल ऑर्डर की विकेट कीपर एक तो बंदी, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर की प्लेयर है, तो आपको दोनों तरफ से पॉइंट्स देके जा सकती है अगर टीम का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता है। 19 ईयर ओल्ड है, काफ़ी यंग प्लेयर है और काफ़ी टैलेंटेड भी है। बात करें पूजा वस्त्राकर की, तो इस साल देखो पहले बॉलिंग से इन्होंने क्या किया है, एक टैलेंटेड पेसर मानी जाती है टीम की, टीम इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई भी करती है क्योंकि ये हिटिंग भी कर लेती हैं थोड़ी बहुत। इस साल देखो बॉल से पहले मैच में 2 विकेट निकाले, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर एक मैच में बॉलिंग ही नहीं करी, फिर 4 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 2 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट, और फिर यहाँ से 0। तो ये इनका बॉलिंग का परफॉर्मेंस ODI में। बैटिंग से देखो 23 किया है, 11 किया, 4 किया, 67, 6, 10, 6, 34, 30 नॉट आउट, और यहाँ से 3। तो ये बैटिंग से किया, तो बैटिंग से भी ठीक ठाक कर लेती हैं, और विकेट टेकर भी मोस्टली हो जाती हैं, तो आपके लिए एक अच्छी पिक रहेंगी। बात करें मेघना सिंह की, तो इन्होंने देखो पहले क्या किया हुआ है ODI में, 1 विकेट निकाला है, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, और इस साल देखो इन्होंने क्या किया है, 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। गाइस मुझे बहुत टैलेंटेड प्लेयर लगती है मेघना सिंह,
वर्ल्ड कप में मैं इनको देखता था लाइव मैचेस बॉलिंग कराते हुए, तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो मेघना सिंह पे। बात करें रेणुका सिंह की, तो इनका भी इम्प्रेसिव है। इस साल दो ही ODI के मैचेस खेले, एक में एक विकेट निकाला, दूसरे में दो विकेट निकाले हैं। और रेणुका सिंह गाइस हाईली टैलेंटेड, जैसा मैंने मेघना सिंह के लिए बोला, मैंने रेणुका सिंह को पहले कभी देखा नहीं था बॉलिंग कराते हुए इतना, लेकिन अभी ये श्रीलंका वाली सीरीज़ में अभी पिछले हफ्ते T20 में देखा है रेणुका सिंह को, इसलिए आपने अभी टीम दिखाई थी शुरू में देखा होगा। लास्ट मैच में कोई नहीं लेके आया था, मैं इनको लेके गया था और इन्होंने ही मुझे वो सारे कॉन्टेस्ट जिताए थे। तो रेणुका सिंह हाईली टैलेंटेड, हाईली अंडररेटेड। यहाँ से गाइस बात करें तानिया भाटिया की, तो तानिया भाटिया भी एक अच्छी हिटर है, लेकिन ODI में इतना ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस है नहीं। यहाँ से आप देखो, इस साल एक मैच खेला है सिर्फ ODI का, 8 रन किए हुए हैं। उसके पहले देखो ODI में 8 नॉट आउट रही, 6 किया, 5 किया, 9 नॉट आउट रही, 7 किया, 2 किया, 8 किया, तो उसके पहले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, शोन पॉजिटिव इंटेंट इन WTC, यानी जो वुमेंस T20 चैलेंज हुए थे उसमें जो इन्होंने इंटेंट दिखाया था विद द बैट, वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, काफ़ी इंप्रेसिंग। तो आपके लिए एक प्लेयर टू वॉच आउट हो सकती है तानिया भाटिया, बट प्रॉब्लम वही है कि किस नंबर पे बैटिंग करेंगी और खेलेंगी भी या नहीं। यहाँ से बात करें हरलीन द्योल की, तो नाम आप सबने इनका सुना होगा काफ़ी बार, लेकिन परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा नहीं देखा होगा। एक वो कैच जो इन्होंने लिया था काफ़ी आउटस्टैंडिंग कैच था, उसकी वजह से और ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी प्लेयर। 2 रन किए हुए हैं एक मैच में ODI में। बात करते हैं गाइस यहाँ से, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ से हरलीन द्योल गाइस T20 में इन्होंने एक आध बार बॉलिंग कराई है, ठीक है, तो यहाँ ODI में आप इनसे उम्मीद नहीं रखना, लेग स्पिनर मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन बॉलिंग की तो आप उम्मीद रखना नहीं। बात करें गाइस यहाँ से श्रीलंका का रिसेंट फॉर्म किस तरीके का है। गाइस आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लग रही हो, बिकॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको इतनी डिटेलिंग में कोई भी नहीं बताएगा इतने शॉर्ट में। बात करें श्रीलंका वुमेंस ODI में इस साल कैसा किया है, तो देखो हंसिमा करुणरत्ने ने 12 किया, 27 किया, 0 किया। हर्षिता माधवी ने 41 किया, फिर 74 किया अगेंस्ट पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ी बात है हर्षिता माधवी को, इसलिए मैंने तीनों मैच में बैक किया था, बिकॉज पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एक ऐसा मोमेंट था श्रीलंका वुमेंस टीम के लिए, जब ये 6 में से 5 मैच ऑलमोस्ट हार गए थे अपने, ठीक है, और कोई जीत की होप इनको दिख नहीं रही थी। पाकिस्तान इतना ज़्यादा इनको डोमिनेट कर रही थी अपनी ही कंट्री में, अपने ही वेन्यू के ऊपर। और उसी सीरीज़ के बाद आप देख सकते हो जो चमारिया था पतू का भी जो लुकआउट है और इनकी टीम का लुकआउट है, ओशार्डी राणा सिंह हो गई, इनोका राणावीर हो गई, इन सब का लुकआउट एक चेंज हो गया कि हमको किस तरीके से फाइट बैक करना है, और वो पॉजिटिव इंटेंट मैंने इंडिया के साथ मैच में देख लिया है। तो आई एम क्वाइट श्योर कि श्रीलंका वुमेंस फाइट देंगी। तो हर्षिता माधवी ने देखो 41 किया, 74 किया अगेंस्ट पाकिस्तान, बहुत बड़ी बात है जब इनकी पूरी टीम कोलैप्स हो रही थी। हसीनी परेरा ने देखो 4 किया, फिर 14 किया, फिर यहाँ से 3 किया है। मालशा साइनी ने देखो यहाँ से मतलब अभी तक इन्होंने 3-4 ही मैच खेले ओवरऑल, क्योंकि इनका स्टैट इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। 2017 में एक मैच में 11 रन इन्होंने किया था मालशा सयानी ने। बात करें नीलाक्षी डी सिल्वा की, तो इस साल देखो 16 किया, 17 किया, 24 किया, और एक मैच में बॉलिंग करी सिर्फ, 0 विकेट इन्होंने लिए। विश्मी गुणारत्नी ODI के लिए गई डेब्यूटेंट रहेंगी, हाईली टैलेंटेड है। यहाँ से आपको बताऊँ, इन्होंने इंटर कॉलेज अपने स्कूल की तरफ से जो मैच खेला था अभी, उसमें गाइस इनकी टीम की तरफ से इन्होंने खुद 148 बॉल पे 450 रन बनाए थे। आप सोच सकते हो 450 रन 148 बॉल पे, 550 इनकी टीम का टोटल हुआ था, जो टीम चेस कर रही थी 35 पे ऑल आउट हो गई थी। आप समझ सकते हो किस लेवल की ये प्लेयर हैं। और आपने अभी अगर लाइव मैचेस देखे होंगे तो T20 में आपने इनको देख लिया होगा कि कितना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ खेल रही थी। बात करें एमा कंचना की, तो इस साल देखो एक मैच में 3 रन है, 4 ओवर डाले, 10 रन दिए थे सिर्फ 4 ओवर डाल के, विकेट टेकर है, मैंने इनको देखा है बॉलिंग कराते हुए, और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक हो सकती हैं मैच में कल के खेलती हैं। तो बात करें यहाँ से चमारी अतपदु बॉस लेडी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया गाइस, 111 किया हुआ है इन्हें, 75 बॉलों में 111 रन किए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और बहुत ही कम बॉलर्स हैं जो चमारी अतापतु को डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो इस साल बॉलिंग से क्या किया है, 0 विकेट, फिर यहाँ से खेला नहीं था, फिर यहाँ से 2 विकेट निकाले हैं। बैटिंग से 25-16 और 101 101 गाइस आप लोगों को पता है कब किया था ये जब पाकिस्तान वुमेंस ने इनको 5 मैच डोमिनेट किया, 6वें मैच में इन्होंने 101 वहाँ से हिट करके दिखाया उनको अपना क्लास।
बात करें गाइस यहाँ से कविशा दिलारी की, तो देखो कविशा दिलारी की इंटरेस्ट जो बैटिंग से है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है इस साल। देखो ODI में विकेटलेस, फिर एक विकेट, फिर विकेटलेस। बैटिंग से देखो 49 नॉट आउट, फिर 32, फिर 20, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है कह सकते हैं कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इनकी टीम में। तो कविशा दिलारी आपके लिए एक अच्छी खासी पिक हो सकती है। रश्मि डी सिल्वा, चमारी अतापतू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, लेकिन इनके कुछ स्टैट्स मिले नहीं है, तो जब खेलती हैं तो देखेंगे किस हिसाब का खेलती हैं। सेम यहाँ से सत्या संदीपनी का है, कोई खास स्टैट इनके है नहीं बिकॉज ये इतना ज़्यादा खेले नहीं है, T20s वगैरह खेली है तो उसमें इकोनॉमिकल काफ़ी रही। बात करें यहाँ से अनुष्का संजीवनी की, मिडल ऑर्डर प्लेयर है, विकेट कीपर भी है। 46 किया इस साल ODI में, 28 किया, 0 किया, 14 किया, 15 किया, 0, 36, 7, 31, 9। बात करें यहाँ से कौशानी नोटियांकी की, तो गाइस इनके भी कोई स्टैट्स है नहीं क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कोई खेला है नहीं। बात करें अचिनी कुलासरिया की, तो इस साल देखो इन्होंने 3 मैच खेले ODI के, पहले मैच में 1 विकेट निकाला, फिर लास्ट के 2 मैच में विकेटलेस रही थी। और एक टाइम गाइस इन्होंने खेला था 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 विकेट निकाले थे, और प्लेयर भी सीनियर है अचिनी कुलासरिया और एक्सपीरियंस प्लेयर है। बात करें एलोका राणा भी देखी, तो ये भी गाइस हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर है, इस साल देखो 3 ODI खेले, सिर्फ 1 विकेट निकाला। ओशाडी राणा सिंह इंप्रेसिंग परफॉर्मेंस दे रही है, पहले मैच में विकेटलेस, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0, फिर यहाँ से 2 विकेट, फिर 0, और फिर यहाँ से 2 विकेट। और इस साल का इस देखो क्या किया है, 1 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर 2 विकेट निकाले, तो कह सकते हो 3 मैच में 4 विकेट इन्होंने निकाले, इंप्रेसिंग है, विकेट टेकर है। बात करें सुगंधी कुमारी की, तो गाइस इकोनॉमिकल जाती है काफ़ी बंदी, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने देख लिया है। विकेट से हालांकि इतना कुछ खास है नहीं, यहाँ से आप देखो विकेटलेस, विकेटलेस, फिर 1 विकेट, फिर विकेटलेस, 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 फिर 2 विकेट, फिर विकेटलेस, तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। इस साल देखो 2 मैच खेले हैं ODI में, तो एक दोनों मैच में 1 विकेट ही लिया है इन्होंने। यहाँ से बात करें ठरिका सेवंडी की, तो विकेटलेस रही थी पास्ट में जो एक ODI का मैच खेला है, इस साल इन्होंने एक मैच खेला उसमें भी विकेटलेस रही थी। बात करें गाइस उदेशिका प्रबोधनी, ये भी एक सीनियर प्लेयर है, 36 ईयर ओल्ड है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, विकेट देखो किस तरीके से लेती है, इस साल विकेटलेस गई, फिर 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिए, फिर विकेटलेस, फिर विकेटलेस, फिर 2 विकेट, और फिर यहाँ से 2 बार विकेटलेस गई, फिर 1 विकेट इन्होंने लिया, तो कह सकते हो कि ठीक ठाक आपके लिए पिक हो सकती है। हालांकि मैंने इनको देखा उतना ज़्यादा ये विकेट टेकर नहीं है कंपेयर टू अदर्स। बात करेगा इस यहाँ से प्लेयर का आपको सारा रिसेंट फॉर्म ODI में किस तरीके करता है वो सब आपको बता दिया। यहाँ से गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखो, जो मेरे लिए इम्पैक्टफुल प्लेयर्स होंगे जो इस सीरीज़ में उभर के आएंगे, कौन ऐसे 11 प्लेयर्स हैं मेरे जो इस सीरीज़ में उभर के आएंगे, ये आप देख लो, जब 3 मैच के बाद सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो गाइस इंडिया की तरफ से मेरे एक्सपेक्टेड प्लेयर्स जो इस सीरीज़ में उभर के आएंगे, पहला नंबर है स्मृति मंदाना का, फिर यहाँ से शब्बीर नैनी मेघना का, यहाँ से रेणुका सिंह का, और सिमरन बिल बहादुर का। इनको आना ही पड़ेगा, इनको अपना गेम जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि इनको आगे मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस मिले। तो ये प्लेयर है मुझे लग रहा है कि इस सीरीज़ में ODI सीरीज़ में उभर के आपको एट द एंड ऑफ द सीरीज़ हाईएस्ट पॉइंट पे मिलेंगे इंडिया की तरफ से। बात करें यहाँ से श्रीलंका की, तो यहाँ से देखो मेरे जो एक्सपेक्टेड प्लेयर्स हैं जो अपना गेम दिखाएंगे और आपको हाईएस्ट पॉइंट पे मिलेंगे, मेरा प्रेडिक्शन है विश्मि गुणरत्ने, हर्षिता माधवी, एमा कंचना, कविशा दिलारी, यहाँ से सुगंधी कुमारी, इनोका रानावीरे और ओशाडी राणा सिंह। ये गाइस जो मेरे प्लेयर्स हैं, टोटल 11 प्लेयर्स हैं गाइस, यहाँ से 7 प्लेयर्स हैं श्रीलंका के और यहाँ से 4 प्लेयर्स हैं इंडिया के। तो ये मेरे प्लेयर्स रहेंगे, इनके ऊपर मेरी पूरी ग्रैंड लीग का बैकअप रहेगा, ठीक है, इन्हीं 11 के ऊपर मैं अपनी ग्रैंड लीग्स जो है सारी टीम्स बनाऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन्स भी यही रहेंगे, तो आप भी उनमें से कुछ ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं स्मॉल लीग टीम की, तो देखो अभी कोई भी टीम दिखाना आपको सही नहीं रहेगा, जो भी फाइनल टीम होगी टेलीग्राम चैनल आपको स्टार्टिंग में बता दिया कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लो, मेरी जो भी टीम रहेगी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन शायद ना दूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है सुनी है जिस प्लेयर के बारे में आपको स्पेशली बताया गया तो आप समझ गए होंगे मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन भी कौन रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।